दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच से आपका स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि आने वाले हरियाणा की विधानसभा चुनाव में लगभग 4 महीने बाकी रह गए हैं। तो आज मैं किस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, वो है दल बदल। जब से कल किरण चौधरी और उनकी बेटी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई है, दल बदल का मौसम नए सिरे से जोर पकड़ने लगा है। दोस्तों इस दल बदल के मुद्दे पर जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं या जो हकीकत है वो ये है, जैसे ही कोई भी चुनाव नजदीक आता है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, वो दल बदल का मौसम शुरू हो जाता है और नेतागण इस दल से उस दल में, उस दल से इस दल में अपने अपने लिए जगह तलाशने लगते हैं। और दल बदल होता क्यों है? दल बदल इसलिए होता है कि ये नेता जो होते हैं बहुत बड़े मौसम विज्ञानी होते हैं और ये जानते हैं कि आने वाले चुनावों में ऊंट किस करवट बैठेगा और वो जो जिस पार्टी में अब है, वर्तमान में है, उसका विधायक है या सांसद है या संभावित उम्मीदवार है, वो ये सोचता है कि तुझे टिकट इस बार पार्टी देगी या नहीं देगी, या आने वाले इस चुनावों में किसकी सरकार बनेगी, किसका माहौल है और वर्तमान सत्ताधारी दल के खिलाफ कितना ज्यादा माहौल है, तो उसी को भांप कर नेतागण दल बदल करते हैं। अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का जो मामला दल बदल का है वो हरियाणा की धाकड़ नेता रही है। श्रुति 2 बार सांसद बनी है, किरण चौधरी तो कई बार विधायक बनी और मंत्री भी रही है हरियाणा सरकार में। लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस से इस्तीफा दिया है उसके अलग कारण हैं, जबकि हकीकत ये है कि ज़्यादातर दलों के नेता अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते रहे हैं और अभी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन श्रुति चौधरी को और किरण चौधरी को इस बात से नाराजगी थी कि भिवानी से उन्हें सांसद का टिकट क्यों नहीं दिया गया, और उनका ये भी आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले सत्ता पर कब्जा रखना चाहते हैं हरियाणा में और वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को ही प्रमोट करके चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और बाकी जो नेता उनकी हां में हां ना मिलाए, खरी खरी बात करे, हुड्डा जी उसको कांग्रेस में टिकने नहीं देते, ये उनका आरोप है। या ये भी कह सकते हैं आप कि हुड्डा विरोधी खेमे के ये आरोप हैं। और जितने भी लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं उनका यही आरोप है कि हुड्डा जी कांग्रेस पर को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं और वो किसी भी ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते जो हरियाणा में राजनीति करना चाहे, कांग्रेस में राजनीति करना चाहे और उनकी उंगलियों पर ना नाचे। अब मैं यहां गिनाने चलूं तो एक लंबी फहरिस्त है कि हुड्डा जी ने किस किस को कब कब निकाला और क्यों निकाला। तो इन आरोपों के तहत हरियाणा कांग्रेस से नेता कांग्रेस को छोड़कर जाते रहे हैं
और इन्हीं आरोपों को लगाकर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों, यदि हम माहौल देखें तो आज पिछले कुछ महीनों से, लोकसभा चुनावों से पहले तक, बड़ी तादाद में अलग अलग पार्टियों के नेता, जिसमें भाजपा भी शामिल है, जेजेपी भी शामिल है, इनेलो भी शामिल है, और पार्टियां भी छोटी मोटी है वो भी हैं, या आजाद उम्मीदवार रहे हैं, बड़ी संख्या में अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं और हो चुके हैं। और कांग्रेस नेतृत्व का ये भी दावा है हरियाणा में कि बड़ी तादाद में चुनावों से पहले पहले विभिन्न दलों के नेता कांग्रेस में शामिल होने के लिए लाइन लगा रहे हैं। जबकि हरियाणा के वर्तमान सीएम नायब सैनी जी ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भाजपा में आने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन उधर कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं, हुड्डा जी दावा कर रहे हैं, चौधरी उदयवान दावा कर रहे हैं कि भाजपा के कई विधायक उनके टच में हैं, और भी पार्टियों के जेजेपी के भी और उनके कई और आजाद जीते विधायक भी कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। चूंकि मैंने बताया कि नेता मौसम विज्ञानी होते हैं और उनको जहां लगे कि आने वाले चुनावों में ये पार्टी जीत सकती है तो उसी में अपना जगह बना लेते हैं, उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वो बात अलग है कि उनकी उन कई बड़े नेताओं की ये वो तय भी कर लेते हैं कि भाई हमें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपना टिकट भी तय कर लेते हैं कि भाई यदि आप हमें टिकट दे दें फला जगह से, फलाना विधानसभा क्षेत्र से, तो हम आपकी पार्टी में आ जाएंगे। तो किसी को आश्वासन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, वो बात अलग है। लेकिन जो माहौल है वो तो ये है कि ये दल बदल का खेल तो आने वाले हरियाणा विधानसभा के चुनावों तक चलेगा, 4 महीने तक। और जब तक चलेगा, जब तक कि चुनावों की घोषणा नहीं हो जाती। और यदि मैं बताऊं तो इस टाइम किसका पल्ला भारी है दल बदल के मामले में, तो मैं कुछ नाम आपको बताना भी चाहूंगा कि जो अलग अलग पार्टियों से नेता कांग्रेस में लाइन लगाकर आए हैं और अभी कहीं आने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, जो आ चुके हैं उनमें हरियाणा के पूर्व मंत्री संपत सिंह, जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, सरदार निशान सिंह जेजेपी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे जो कांग्रेस में आ चुके हैं, 3 विधायक सोमवीर सागवान भाजपा, रणधीर गोलान पुंडरी के भाजपा, जोगी राम सिवाच जेजेपी बरवाला के विधायक कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा और भी कई लाइन में लगे हैं, विजेंद्र सिंह पूर्व भाजपा सांसद, यानी वो लोकसभा से पहले ही जो हिसार से सांसद थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के, जो हरियाणा की एक हस्ती हैं, उनका बड़ा नाम है राजनीति में, जो कई बार मंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और कांग्रेस छोड़ के जब पिछली बार वो भाजपा में गए थे तो वहां जाकर केंद्र में मंत्री भी बने थे, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले ही वो बाप बेटे भी कांग्रेस में आ चुके हैं, यानी एक तरीके से कहें तो घर वापसी कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र से सांसद रही कैलाश हुसैनी, जो पूर्व सांसद थी, उन्होंने भी भाजपा को टाटा बाय बाय करके कांग्रेस में अपना घर, अपना भविष्य सुरक्षित माना है। सत्येंद्र राणा पूर्व विधायक भाजपा, चौधरी हर्ष कुमार पूर्व मंत्री हरियाणा,
वो जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। निर्मल सिंह पूर्व मंत्री हरियाणा और आपसे कांग्रेस में, आप पार्टी छोड़कर कांग्रेस में पहले ही आ चुके हैं। तो एक ये लंबी है, मैं इसको पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दल बदल का खेल अभी लंबा चलेगा, कौन किधर जाएगा, इधर से उधर अभी कई नेता होने वाले हैं, लेकिन पल्ला जो भारी लगता है वो कांग्रेस का ही लगता है। हालांकि भाजपा हाईकमान तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए कमर कस चुका है और खुली छूट हरियाणा भाजपा नेतृत्व को दे दी गई है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से कांग्रेस के नेताओं को तोड़िए, विधायकों को नेताओं को तोड़िए, और भी पार्टी के नेताओं को तोड़िए, भाजपा में लाइए और ऐसा माहौल बनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विपक्षी दलों के नेता भाजपा में आए और तीसरी बार भाजपा हरियाणा में फिर सत्ता संभाले। तो दोस्तों, ये तय हो चुका है कि भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगाएगी हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आने के लिए। देखना यह है कि कांग्रेस के कितने विधायकों को या और बड़े नेताओं को तोड़कर भाजपा में जोड़ पाती है। हालांकि भाजपा का ये इतिहास रहा है कि उसके पास अपने नेता नहीं है कि वो 90 के 90 पर चुनाव लड़ाए, वो इधर उधर से चाहे लोकसभा के चुनाव हों चाहे विधानसभाओं के चुनाव हों, उसके पास काबिल नेता नहीं होते, ऐसे चुनाव जिताऊ नेता नहीं होते, इसलिए वो साम दाम दंड भेद से दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर लाती है और उनके दम पर सत्ता में लौटती है। ये तो भाजपा का इतिहास रहा है, लेकिन मैं फिर एक बार ये दोहराते हुए कि इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जनता का मूड न केवल पूरे देश में रहा, वो जनता बदलाव चाहती है, इस बार भाजपा 302 की जगह 240 पर ही अटक गई और वो 272 की संख्या भी केंद्र में सत्ता में लौटने के लिए नहीं ला सकी और जैसे तैसे एनडीए का कुनवा बनाकर वो फिलहाल केंद्र की सत्ता में है। लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लगता है कि भाजपा आसानी से सत्ता में लौटेगी। भाजपा को तीसरी बार हरियाणा में सत्ता लौटने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हरियाणा में प्रदेश की जनता कई कारणों के चलते भाजपा से नाराज चल रही है। तो दोस्तों, मैं अपनी पूरी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात और कह दूं कि जो नेता होते हैं वो उसी दल में जाना पसंद करते हैं जिसकी संभावना सत्ता में लौटने की होती है। तो जो भी नेता इधर से उधर होंगे तो ये संभव नहीं लगता है कि ये नेता जेजेपी में जाएंगे या इनेलो में जाएंगे, भाजपा तो पहले ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि ना तो जेजेपी के सत्ता में आने की संभावना है ना ही इनेलो के सत्ता में आने की संभावना है। तो इसलिए नेता भी जेजेपी और इनेलो से दूर रहेंगे और उनकी जो भगदड़ रहेगी ज्यादा तो कांग्रेस की तरफ रहेगी, और जिन लोगों को कांग्रेस में ऐसा लगेगा कि उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा, उनका टिकट कट सकता है, वो भी इनेलो या जेजेपी में नहीं जाएंगे या आप में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो फिर
भाजपा में जाएंगे, वो भी टिकट का आश्वासन मिलने पर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा होने तक जिनमें 4 महीने बाकी हैं, ये दल बदल का खेल चलता रहेगा और मौसम विज्ञानी नेता अपनी सुविधानुसार दल बदल कर अपने नए घर तलाशते रहेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा, हरियाणा में दल बदल का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।